मेडिकल की पढ़ाई करने यूक्रेन गई साक्षी सिंह बुधवार की शाम सुरक्षित घर लौटी। साक्षी ने कहा कि बम के धमाकों के बीच तिरंगा उसे सुरक्षित निकाल लाया है। आंखों के सामने ब्लास्ट हो रहे थे, इस तरह के हालातों का कभी कल्पना भी नहीं की गई थी। लग रहा था कि अब क्या होगा, घर पहुंच पाएंगे या नहीं, लेकिन भारत सरकार की ओर से जो कदम उठाए गए उसकी जितनी प्रशंसा की जाए वह कम है। भारतीय दूतावास से एडवाइजरी जारी की गई थी कि इंडियन फ्लैग लगाकर ट्रेवल करना है, इसका पालन किया गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन बॉर्डर से पहले लंबा ट्रैफिक था, ऐसे में लगभग 7 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा। साक्षी ने कहा कि अभी भी तमाम छात्र वहां फंसे हैं जिन्हें मदद की जरूरत है। इस दौरान पूर्व मंत्री महाराजा पुष्पराज सिंह ने साक्षी एवं उनके पिता का मुंह मीठा कराकर स्वागत किया। आइए सुनते हैं क्या कहना है साक्षी सिंह का। बहुत अच्छा लग रहा है, डिफरेंट लग रहा है, अनएक्सपेक्टेड और नर्वस, ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था इसलिए थोड़ा नर्वस। क्या हालातों से गुजर के आना पड़ा? बहुत डिफिकल्ट था, अनएक्सपेक्टेड था और हॉरिफिक था। मतलब हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि लिटरली हम वॉर जोन में होंगे और वहां से निकलना पड़ेगा, और वो भी बॉर्डर तक आना, वो भी हमें पैदल भी चलना पड़ा बहुत कई किलोमीटर्स तक। और हमने लिटरली अपनी आंखों के सामने देखा है बॉम्ब ब्लास्ट होते हुए, तो वो थोड़ा हॉरिफिक एक्सपीरियंस था। जब पहली बार घर वालों से बात हुई तो क्या कुछ बताया आपने? मैं घर वालों से, वैसे नेटवर्क इश्यूज हो रहे थे जब से ये सब कुछ शुरू हो गया था, तो पहले कीव में हुआ था, जिस रीजन में मैं रहती हूँ वहाँ बात थोड़ा लेट शुरू हुआ था। तो मेरे घर वालों को मैं इन्फॉर्म कर रही थी, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि जिस रीजन में हम रहते हैं वहाँ पे भी होगा ये सब कुछ। तो फिर जिस दिन हुआ उस दिन तो मैंने नहीं बताया पहले, क्योंकि मुझे पता था वरीड होंगे, तो लेकिन वो न्यूज़ चैनल्स के थ्रू ही पता चल गया था। तो हाँ, सरकार से आपको काफ़ी मदद मिली, खास तौर से सिंधिया जी ने जिस तरह से किया और महाराज साहब की भी पैरवी की, कैसा लगता है? मैं ग्रेटफुल हूँ बहुत ज़्यादा अपनी गवर्नमेंट की और सर की, कि हमारी काफ़ी हेल्प किया। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं उनको अभी भी हेल्प की ज़रूरत है, और बहुत सारे स्टूडेंट्स की हेल्प की जा चुकी है, तो बहुत अच्छा लगा। और एक्सपेक्टेड था मुझे एक्चुअली कि हमारी गवर्नमेंट हमारे लिए स्टेप लेगी, तो थैंकफुल हूँ मैं, ग्रेटफुल हूँ अपनी गवर्नमेंट के लिए। यूक्रेन में जिस तरह से वार था, वहाँ से आपकी गाड़ी आई, उस पर आपका फ्लैग लगा हुआ था हिंदुस्तान का, तो ऐसा सुनने में आया कि उस पर बमबारी भी नहीं हुई थी। हाँ, ये हमें एक्चुअली हमारी एम्बेसी ने ही एडवाइजरी में बोला था कि जो भी तुम ट्रैवल करो, तो क्योंकि वो ऑल ओवर यूक्रेन ब्लास्ट हो रहे थे ना, तो हमारी एम्बेसी ने हमें ये एडवाइजरी में बोला था कि आप फ्लैग लगा के ट्रैवल करना, तो हमने वो फॉलो किया था। और हमें स्टॉप किसी भी बस को या जो भी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट था उसे स्टॉप नहीं किया गया, बस नॉर्मल रूटीन चेकिंग जो भी हो रही थी, क्योंकि वो थे हम वॉर जोन में, इसलिए थोड़ा बहुत सा हमें रोका, लेकिन ऐसा मेजर कुछ इशू नहीं हुआ, क्योंकि हमें वहाँ की आर्मी को भी पता था कि इंडियन स्टूडेंट्स इवैक्यूएट हो रहे हैं।